क्यूब से कमाल, कमाल भी ऐसा जिसे देखकर हर कोई दंग है, हैरान है, परेशान है कि ये कैसे हो सकता है। यकीन नहीं होता तो देखिए, ध्यान से देखिए, बार बार देखिएगा। बस देखते ही रह जाइएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये प्रतिभा बेहद ही निराली है। तभी तो 14 साल की प्रज्ञा आज अपने हुनर से देश में खूब चर्चा बटोर रही है। कुछ ही मिनटों में जालौन की रहने वाली प्रज्ञा माहेश्वरी क्यूब से ऐसे ऐसे कारनामे कर देती है जो बड़े से बड़े धुरंधर भी ना कर पाए। अब देखिए ना, क्यूब से ऐसा कमाल किया कि पीएम नरेंद्र मोदी की चंद मिनटों में तस्वीर ही बना डाली। तभी तो प्रज्ञा ने अपनी कला के दम पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम कर लिया। वो कहते हैं ना कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो है ना गजब का प्रज्ञा में टैलेंट। वैसे प्रज्ञा का टैलेंट का किस्सा बॉलीवुड में भी मशहूर है। जी जी, बॉलीवुड में। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए। प्रज्ञा माहेश्वरी ने जब बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की तस्वीर बनाई तो सोनू भी प्रज्ञा की प्रतिभा के कायल हो गए। सोनू सूद ने खुद प्रज्ञा की ट्विटर हैंडल पर जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, जब पीएम मोदी जालौन के दौरे पर आए तब प्रज्ञा ने पीएम मोदी की तस्वीर बनाकर उन्हें समर्पित भी किया था। यकीनन जब बेटी माँ बाप के लिए मान बन जाए, इससे ज्यादा दिल का सुकून और क्या होगा। तभी तो बेटी के हुनर के कायल जब पूरा देश हुआ तो माँ बाप का सिर भी फक्र से ऊंचा उठ गया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर अपने अंदर कोई पैशन है, कोई अपने अंदर इच्छा है, तो उसको जरूर उजागर करना चाहिए और इतना आगे ले जाना चाहिए कि लोग वाह वाह कर उठे। इसने भी यही किया। खेल खेल में एक बार रूबिक्स क्यूब इसको मिला था, इसके टीचर ने गिफ्ट दिया था, और उसके बाद से उस रूबिक्स क्यूब से ऐसा खेला कि अब ऐसे कारनामे करने लगे कि लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं। किसी का भी फ़ोटो दे दीजिए, चाहे वो इंसान हो, कोई बिल्डिंग हो, नेचर हो, या किसी भी देश का नाम बता दीजिए, उसका ये झंडा रूबिक्स क्यूब के माध्यम से बना के दिखा देती है। कितना समय दिया आपने इसको और कैसे ये कर पाती है? देखिए, समय तो असीमित था इसके पास में, क्योंकि आजकल इसका पैशन ही है कि दिन रात 24 घंटे इसके हाथ में रूबिक्स क्यूब होता है और जब देखो उसी से खेलती रहती है और अपना कुछ ना कुछ करती रहती है, और उसको करते करते ये फोटोज बनाने लगी है सभी के। मेरी बेटी ने अभी, मोदी जी आए थे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने, उनको उपहार देने के लिए इसने रूबिक्स क्यूब से फ़ोटो बनाई। ये 2-3 घंटे में फ़ोटो बना लेती है। इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले ये खेल खेल में करती थी, पर अब ये इसका मकसद होता चला गया, इसमें वो बहुत आगे चली जा रही है। और हम भी चाहते हैं ये इसका नाम और आगे, जैसे अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया तो हम चाहते हैं कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आए, इसकी इस मेहनत को फल मिले। मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी का नाम बहुत आगे जाए। दिशा दे रही हैं, तो क्या कहना चाहती हैं कि और भी जो छात्र हैं, किस तरह के छात्र मेहनत करें वो आगे बढ़े? हाँ, मैं जैसे क्यूब्स को बहुत से लोग कहते थे ये खेल है, केवल खेलने का, पर मैं ये नहीं कहती। अगर मेरे बच्चे, किसी भी बच्चे के अंदर टैलेंट है तो आप प्लीज़ उसे बाहर निकालें। जैसे मैंने अपनी बेटी के अंदर से टैलेंट बाहर निकाला, आज वो इस मुकाम तक पहुँच गई है। मैं चाहती हूँ ये और आगे जाए। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। हम तो बस यही कहेंगे, शाबाश प्रज्ञा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।